हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो इस वीडियो में 25 से 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे उर्दू का, जो कि आप सभी के क्लास 12 के बोर्ड के एग्ज़ाम में आने के ज़्यादा चांसेस होंगे। तो आप सभी ये सारा क्वेश्चन को अच्छे से कहीं पर नोट कर लीजिएगा। तो चलिए, उससे पहले आप लोग फटाफट इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए, अब मैं सवाल को शुरू करती हूँ। यहाँ पर है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी कि मारूजी सवालात, आप सभी के बोर्ड के एग्ज़ाम में आने के ज़्यादा चांसेस हैं। दर्जा ज़िल सवालात के जवाब मुंतखब करें। सवाल है, नज़ीर अहमद किस मशहूर शख्सियत के उस्ताद थे? ऑप्शन है, अजीम बेग, अब्दुल्ला बेग, फरतुल्ला बेग, असमत बेग। तो यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर फरतुल्ला बेग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरब व हिंदुस्तान के ताल्लुकात किसकी मशहूर किताब है? ऑप्शन है, हाली, सैयद सुलेमान नदवी, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, शिबली नुमानी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सैयद सुलेमान नदवी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सारा क्वेश्चन आप लोग नोट करते हुए जाइएगा, वज़ीर आगा का ताल्लुक किस सिंफ से है? ऑप्शन है, इंशाया, अफसाना, नावल, खाका। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का इंशाया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमद जमाल पाशा कहाँ पैदा हुए? ऑप्शन है, पटना, आलाहाबाद, लखनऊ, दिल्ली। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आलाहाबाद। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंजारों को और किस नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन आप सभी का इम्पॉर्टेंट है, आप सभी के हाफ ईयरली एग्ज़ाम में भी ये पूछे गए थे, तो इसे आप लोग इम्पॉर्टेंट समझकर अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। तो ऑप्शन है, खाना बदोश, सब्ज़ी फरोश, शिकारी, अदीब। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा खाना बदोश। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं इसे थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ, गुबार खातिर में कितने खतूत हैं? ऑप्शन है, 12, 16, 20, 24। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 24। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलाना आज़ाद किस मुल्क में पैदा हुए? ऑप्शन है, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सऊदी अरब। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलाना आज़ाद पहली बार किस उम्र में कांग्रेस के सदर हुए? ऑप्शन है, 28 साल, 30 साल, 32 साल, 35 साल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 35 साल। फिर फरतुल्ला बेग शेर खानी में किस तरह की गलतियां किया करते थे? ऑप्शन है, इमला की, मुहावरे की, वाहिद जमा की, एराब की। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एराब की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बागो बहार में अंधे फकीर का ताल्लुक किस मुल्क से था? ऑप्शन, अरब, चीन, जापान, हिंदुस्तान। करेक्ट आंसर हो जाएगा हिंदुस्तान। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलाम बिन रज़ाक को किस साल साहित्य अकेडमी इनाम से नवाजा गया? ऑप्शन है, 2001, 2002, 2004, 2006। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2004। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्राहिम सत्ता की तालीम कहाँ तक हुई थी? पहले दर्जे तक, दूसरे दर्जे तक, तीसरे दर्जे तक, चौथे दर्जे तक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथे दर्जे तक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान के किस सूबा में सैयद सुलेमान नदवी पैदा हुए? तो यहाँ पर ऑप्शन है, बिहार, कश्मीर, बंगाल, उत्तर प्रदेश। करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद सुलेमान नदवी किसके शागिर्द थे? ऑप्शन है, सर सैयद, शिबली नुमानी, हाली, नज़ीर अहमद। करेक्ट आंसर हो जाएगा शिबली नुमानी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिज्र इंशाया की कैसी सिंफ है? ऑप्शन, नसरी, शायरी, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नसरी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्दू की पहली अदबी दास्तान की निशानदेही कीजिए। ऑप्शन है, बागो बहार, सबरोस, नौतर्ज मर्शा, फसाने अजायब। तो यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट आंसर बागो बहार। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बागो बहार में कितने दरवेशियों का किस्सा बयान किया गया है? ऑप्शन है, 1, 2, 3, 4। करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है,
फ़िक्शन की सबसे मुख्तसर सिंफ को क्या कहते हैं? नावल, अफसाना, दास्तान, ड्रामा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अफसाना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, टोबा टेक सिंह अफसाना का खालिक कौन है? तो ऑप्शन हो जाएगा राजेंद्र सिंह बेदी, प्रेमचंद, शादत हसन नट्टू, यहाँ पे एक और ऑप्शन है कृष्ण चंद्र। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का शादत हसन नट्टू। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखबारुल हलाल के बानी कौन थे? ऑप्शन है मोहम्मद हुसैन आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद, सर सैयद खान, मौलाना हाली। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बागो बहार किस शहर में लिखी गई? ऑप्शन है दिल्ली में, कलकत्ता में, लखनऊ में, पटना में। करेक्ट आंसर हो जाएगा कलकत्ता में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीर अमन की दूसरी किताब का नाम क्या है? फसाना अजायब, ख्वाब व ख्याल। फिर नेक्स्ट नीचे है, गंज खूबी, नौतर्स, मरसा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा गंज खूबी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोबा टेक सिंह का असल नाम बताइए। ये सब सवाल आप लोग के हमेशा आते एग्ज़ाम में, तो इसे भी आप लोग इम्पॉर्टेंट समझ के अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन है फजलदीन, हरी सिंह, अर्जुन सिंह, बश्न सिंह। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बश्न सिंह। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवानी गज़ल का ताल्लुक किस सिंफ से है? ऑप्शन है अफसाना, नावल, ड्रामा, शायरी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा शायरी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफसाना प्रोस के खालिक का नाम बताइए। तो यहाँ पर ऑप्शन है करतुलैन हैदर, असमत चक्तानी, जिलानी बानो, गजाला जीगम। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा गजाल जीगम। तो फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नज़ीर अहमद की कहानी के मुसन्निफ़ का नाम बताइए। ऑप्शन है नज़ीर अकबर आबादी, रशीद अहमद सिद्दीकी, फरतुल्ला बेग, मौलवी अब्दुल हक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फरतुल्ला बेग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है और सबसे आखिरी क्वेश्चन है, सी पारा दिल किसकी किताब है? ऑप्शन है सैयद अहमद ख़ान, रशीद अहमद सिद्दीकी, ख्वाजा हसन निज़ामी, शिबली नुमानी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ख्वाजा हसन निज़ामी। तो ये था कुछ आप सभी का 25 से 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके हर साल एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ इसमें से आते ही हैं, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट था तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दी हूँ। आप लोग इसे चाहो तो कहीं पर अच्छे से नोट कर सकते हैं, क्योंकि क्लास 12 के उर्दू के एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आते ही हैं, हर साल आते हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट सब है। फिर मिलूंगी ऐसे ही इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के साथ। जब तक आप लोग चैनल पे बने रहो और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो। फिर मिलती हूँ दूसरे वीडियो में।